वहीं नववर्ष के आगमन पर वार्ड 12 मोहन नगर पश्चिम के पार्षद द्वारा सफाई कर्मचारियों का पैर धोकर सम्मान किया गया, साथ ही उन्हें मिठाई व फल भी प्रदान किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आम जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने दुर्ग नगर निगम की अनूठी पहल पर शनिवार को नए वर्ष के शुभारंभ के साथ ही दुर्ग शहर के सभी 60 वार्डों में स्वच्छता का संदेश देने सफाई मित्र कर्मचारियों का सम्मान किया गया। इसी कड़ी में दुर्ग के वार्ड 12 मोहन नगर पश्चिम के पार्षद अजीत वैद्य द्वारा अपने वार्ड के सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया गया, जिसके चलते सभी कर्मचारियों का पार्षद द्वारा पैर धोकर उनका सम्मान किया गया, साथ ही उन्हें मिठाई व फल का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर उपस्थित वार्डवासियों ने इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा की और सफाई कर्मचारियों को अपना मानते हुए अपने वार्ड सहित शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने हेतु सहयोग देने वाले कर्मियों का सम्मान हमेशा ही ऐसा होते रहने की बातें कही। इस अवसर पर वार्ड के वरिष्ठ जनों द्वारा पार्षद अजीत वैद्य के साथ सफाई कर्मचारियों का भी सम्मान किया गया। इस संबंध में वार्ड पार्षद अजीत वैद्य ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। आज 2022 के आगमन पे हम सभी ने जिस तरीके से आपने देखा है हमारे सफाई कर्मचारी जो आज हमारे वार्ड के लिए एक योद्धा से कम नहीं है, मेरे वार्ड के लिए मेरे लिए वो एक सैनिक है जो सभी गंदगी से मेरा और मेरे वार्ड की सुरक्षा करते हैं। मेरे वार्ड की सारी गंदगी की वो वार्ड को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने में पूरा का पूरा सहयोग करते हैं। मैं अपने वार्ड के सभी जनमानस से भी अनुरोध करूंगा कि इन सफाई कर्मचारियों की मदद करें, जिससे हमारे वार्ड के आसपास का एरिया साफ सुथरा और स्वच्छ रहे। वार्ड वासियों, आप सभी से मेरी गुजारिश है कि सफाई कर्मचारियों को आप अपना भाई और अपने घर का एक सदस्य समझते हुए उनके काम में उनकी मदद करें, ना ही किसी पे से किसी प्रकार का विवाद करें। और आज 2022 आप सभी के जीवन में आनंद, खुशल और लाभदायी हो, ऐसा कामना करता हूँ। ब्रांड एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।